ये दुनिया में शायद हर आदमी गरीब होला, केहू दुनिया में अमीर पैदा ना होला, हर आदमी खाली हाथ ही आला। जौना गरीबी से शायद खेसारी लाल यादव गुजर के आज यहाँ तक पहुंचल बड़े, शायद तुरु सुनबत तहरु लोग महसूस हो। जब हम अपन कैसेट लेके जाए तो हर दुकानदार खेसरिया के गाली दे दे, हर दुकानदार कहे कि थोड़ा खानी कलाकार बहुत आवे ले जाले, चल हर दुकान से। आज भी हमके याद बा कि मोतिहारी शहर में हम अपन कैसेट लेके गए और हमारा लगे मात्र 15 रुपया रहे और हमके भूख लाग रहे और मोतिहारी से घर जाए के रहे हमके। हम छत पर चैत बैसाख के दिन में अंदर ना बैठने की शायद 10 रुपए किराए ले ली तो हम खाना पा पाए, तो हम 5 रुपए किराए दे के छत पर बैठ के आए और वहां से 15 किलोमीटर पैदल गए ली। मोहम्मदपुर मोड़ से 15 किलोमीटर पैदल दिगवा दीपौली एक जगह पहुंची गई। ओजी से 5 रुपए के लिट्टी और चोखा खा के और 5 ही रुपए मिला बचल तो ओकरा से ट्रेन के किराया दे के हम छपरा पहुंचे। और आज तोरा लोगन के देखी ले तो शायद हमके महसूस होला कि शायद खेसरिया के एगो बीता हुआ कल रहे। कई हम 2000 के प्रोग्राम गए तो हमरा के 5 आदमी देखे का दिन आवस, लेकिन आज हम 10 लाख के भी प्रोग्राम गए ले तो हमरा के देखे खातिर 5 लाख आदमी आवे। आज अगर आंख में आंसू आवत तो बाकी हमरा जिंदगी में बहुत उछाल गरीबी हो। बाबूजी जब हमके लिट्टी चोखा बेचे ओले 3 साल शायद उस समझ में आई लगे हम कभी सोच ले ना रहनी कि आज हम ऐसी जगह पर होता पर मंच पर कुछ कह और कुछ गा सकता। तारा लोगों की कर्जा खेसरिया से शायद कबू नहीं खेल दिया। आज अगर तू लोग के आशीर्वाद ना दिला रहे तो आज भी शायद हम भैंसे चरावत रहते और दूध बेचत रहते। आज हम अपने बाप से भी ज्यादा तोहरा लोगों से प्यार करी ले ऐसे कि हमार बाबूजी तो खाली हमके पैदा के लेवे लेकिन तारा लोगों तक खेसरिया की जीवन दे दिलाया जीवन। हाँ जीवन तारा लोग एक खेसरिया कर्जदार रहे। हमर बाबूजी कहियो हमार फिल्म टिकट कटा के ना देखे लेकिन तोरा लोग इनके खेसरिया खाती अपन हाथ फाड़ ले रहा खेसरिया के कैसे सुने खाती अपन 20 रुपया खर्चा कर ले 50 रुपया खर्चा कर ले। ऐसे आज अगर खेसरिया के घर में दुबक के रोटी भी बने लाना तो आटा के पैसा तोरा लोग चंदा के पैसा से आवेला, मतलब खेसरिया के अपन कमाई ना। हमरा घर में चूल्हा भी जरेला तो वो लकड़ी के पैसा तू लोग देला तब खेसरिया के घर में चूल्हा जरेला। आज हमारे शरीर पर जवान कुछ भी बैंक कपड़ा हो के जूता हो के गहना हो के गुड़िया बैंक बैलेंस चाहे दुनिया के कोनो भी प्रॉपर्टी हमारा अगर लगे बा तो शायद उखी सरिया के अपन कमाई ना हो तारा लोग इनकी चंदा देहल पैसा के हो। हमार एटीएम तू लोग बाड़ा ना हमरा नंबर डाले के ना कुछ तू लो सही के सरिया के दान दे देले कि जो कि सरिया तेरा जोन बनावे के बना। और जिंदगी में गरीब भाई शायद गुनाह ना होला, हर आदमी हम अपने बाप के शायद अपने आप से भी ज्यादा प्यार करी अपने करियर से भी ज्यादा प्यार करी ऐसे कि हर इंसान के उसन बाप मिले हमने के साथ भाई के पाले में उका का ना गेले लिट्टी चोखा बेचले भुजा बेचले चना बेचले सतुआ बेचले अकेले बाबूजी कमाए वाला हमार और हमने के साथ भाई खाए वाला। और आज जिंदगी में तारा लोग खेसरिया के इतना दे देला कि शायद तारा लोग के कर्जा हम 7 गो जन्म ले हम तबो नहीं की चुका सकत। ऐसे जे तोरा लोग के अंदर ऐसा पावर होला कि शायद दुनिया के कोनो ताकत में पावर नहीं थे जो उनके तारा लोग के हाथ में बा। अरे यार तू तो एगो चाय बेचे वाला के प्रधानमंत्री बना देला एगो भैंस चरावे वाला के खेसारी लाल यादव बना देला तारा लोग से हर वो दुनिया बा हर पब्लिक से ही वो स्टार
और वो नेता पैदा होला और शायद अपन मुकाम पर जब पहुंच जाला तो पब्लिक के बोला जा लेकिन तहरा लोग के गिराहों में टाइम ना लगे तो हलो भी एक बार डिसीजन ले लेला था एक से काल स्टार के तो लोग धूल चटा देला और एक से काल नेता के तो लोग धूल चटा देला तहरा लोगन का ऐसा पावर ऐसे हम अपने बाप से भी ज्यादा तहरा लोगन से प्यार करी कि जिंदगी में सबसे बड़ा कमाई एगो स्टार एगो नेता और एगो अभिनेता के ऊपर पब्लिक होला बाकी केहू ना होला अगर ये तहरा लोग के बेटा से तहरा लोगन के भाई से रात भर में कोनो गलती हो गई लोगे तो तू अपन भाई जान के क्षमा करी हा और हां हां जिंदगी में एगो चीज के जरूर समझ लिया मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान ले इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आपके हौसले बुलंद हो और आपके रास्ते एक हो तो लड़कियां हजार मिल जाती हैं लेकिन प्यार हर लड़की से आपको नहीं मिलेगा तो आपको चुनना है जी कौन इंसान आपको कितना प्यारा है और कौन सी मंजिल हर आदमी स्टार नहीं बनता हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बनता जिस लाइन में है आप उसी लाइन में कमाइए और उसी नाम उसी लाइन में आपको नाम मिल सकता है अगर आप दिल से मेहनत करें तो और अपने माँ बाप से जरूर प्यार करिएगा क्योंकि माँ बाप का साया जिस इंसान के ऊपर से हट जाता है वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो जाता है इसलिए अपने माँ बाप को जरूर प्यार करिएगा क्योंकि एक माँ बाप का प्यार ही शायद सारी लालियादों को यहाँ तक पहुंचा दिया जिसमें आप लोग का चंदा जुड़ा और मेरे माँ बाप का प्यार और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद शायद आप लोग ये समझते होंगे कि खेसारी लाल यादव आज स्टार बन गया है तो बहुत खुश होगा हमसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं क्योंकि आज भी अपने माँ के आंचल के लिए खेसारी लाल यादव तरसता है क्योंकि मेरे पास पैसा तो ईश्वर ने बहुत दिया आप लोगों ने बहुत दिया आज मैं घर पे साल में हो सकता है 10 या 5 दिन रहता हूं उस माँ के हाथ की रोटी खाई हुई शायद कितने बरस हो गए मुझे याद ही नहीं आप लोग बहुत खुश नसीब है कि आप सबके पास माँ है और आप लोग अपने माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन आंखों में नींद नहीं इस दुनिया में पैसे से हर वो चीज खरीदी जा सकती है लेकिन दो वक्त की नींद नहीं खरीद सकते आप 24 घंटा आपका भाई खाता है मेहनत करता है सिर्फ आपके मनोरंजन और आपके प्यार के लिए ताकि मेरे किसी पब्लिक को मेरे तरफ से तकलीफ और दुख ना पहुंचे इसलिए हम अक्षरा से हमारी पूरी टीम अगर पूरी रात में कोई गलती की होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और कभी भी किसी के फंक्शन में जाइए तो उसको अपना फंक्शन समझ के काम करिएगा ताकि किसी का नुकसान ना हो आपके वजह से और अपना शरीर का ख्याल जरूर करिएगा कोई स्टार और कोई नेता आपको खाने के लिए नहीं देता है आप कमाते हैं तो खाओ तो स्टार 75 आएंगे कि सारी इस दुनिया का आखिरी स्टार चाहे कोई इस दुनिया का आखिरी स्टार नहीं होता धरती वही रहती है सिर्फ इंसान और जगह बदलते हैं इसलिए आप लोग अपने परिवार और अपने अपना जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं ये हर एक जगह समझाता हूँ इसलिए क्योंकि लुधियाना शहर में मुझे देखने के लिए 25 आदमी मौत के घाट उतर गए मुझे एक क्षण में गलती पब्लिक की थी यही जिमी जिमी कैमरा था और 33,000 वोल्ट तार गया था और पब्लिक कम से कम 3 लाख पब्लिक खड़ा हुआ और एक दूसरे पे गिरी गिरने के बाद जिमी जिमी कैमरा पे आई कैमरा ऊपर उठा और 33,000 वोल्ट में सट गया और 25 आदमी मेरे सिर से मरे इसलिए आज तक लुधियाना शहर में दोबारा मैं शो करने के लिए नहीं गया और ना ही कभी जाता हूं क्योंकि उस मौत का जिम्मेदार खेसारी लाल यादव शायद खेसारी लाल यादव खेसारी नहीं बना होता तो 25 लोग का परिवार आज भी खुश होता वो मेरे वजह से वो परिवार टूट गया इसलिए मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ तो किसी भी स्टार को देखने जाइए तो सुरक्षा और उस विधि को हमेशा समझिए और अपना समझिएगा तो शायद कोई गलती नहीं कर पाएगा रोड में चलने वाली लड़कियां हर वो लड़की आपकी बीवी नहीं हो सकती वो भी किसी की बहन है हमारी भी बहन रोड पे चल चले तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है बीवी तो एक ही बनती है हर लड़की आपकी बीबी नहीं बन सकती इसीलिए हर लड़की का सम्मान करना आपका धर्म है और आपका कर्तव्य है इसलिए जरूर इसे इसको ध्यान रखिएगा बाकी हम लोगों से कोई प्रकार की गलती हुई है और मैं
इस पूरे समाज को अपने दिल से और अपने पूरी टीम के तरफ से, अपने तरफ से, अक्षरा सिंह जी की तरफ से, अनिल जी की तरफ से, हैप्पी जी की तरफ से, जितने बजाने वाले लोग हैं सबको तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि शायद आप लोग नहीं चाहते, आप लोग हमको नहीं बुलाते तो शायद आज इतने पब्लिकों का आशीर्वाद हम टीमों का नहीं मिलता। इसलिए आपको दिल से थैंक यू। और इस पूरी पब्लिक को फिर मैं एक बार दोबारा चरण छू के प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देकर जरूर जाइए। और ऐसे जाइएगा जैसे कि आपको लगे जी आप अपने घर से जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से आ रहे हैं, विधि के साथ अच्छे से, किसी चीज का कोई नुकसान ना। आखिरी में हैप्पी जी का गाना होगा। हाँ बिल्कुल। और आप लोग बैठिए जाकर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अब एक आखिरी हैप्पी राइड। ऐसा ऐसा मिस्त्री हो जो खेसरिया एगो ढोड़ी के गाना गा देला तो 500 रुपया दे देला, तो खेसरिया के एटीएम तू ही लोग बड़ा दूसरे के नहीं। चलिए मैं चाहूंगा कि हैप्पी जी का गाना आप लोग सुनिए। हैप्पी राय जी कहीं भी हो स्टेज के पास आए, हैप्पी राय मुंबई की रानी।